9 महीने पहले मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे कोई 15 या 12 हजार फॉलोवर्स होंगे, 12-15 हजार मैक्स फॉलोवर्स थे। उस टाइम पे मैंने बहुत लोगों से मदद मांगी कि मुझे शाउट आउट चाहिए, मुझे शाउट आउट चाहिए, प्लीज मेरी हेल्प करो। किसी के पास गया इंस्टाग्राम में शाउट आउट मांगने के लिए, मुझे मैंने बोला कि मैं इंस्टाग्राम पे मोटिवेशन वीडियोस, फैक्ट वीडियोस बनाता हूँ, मोटिवेट करता हूँ बच्चों को, बहुत सारे बच्चे जानते हैं इस बात को। मैंने बोला कि मुझे, मैं फैक्ट वीडियोस बनाता हूँ, मोटिवेशन वीडियोस बनाता हूँ, प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल को एक बार मुझे उसको पब्लिसाइज करने दो। रिक्वेस्ट की मैंने कि उसको पब्लिसाइज करने दो, उन्होंने मना कर दिया। मना करना बड़ी बात नहीं है, मैंने बहुत लोगों से मना सुना है, कोई बड़ी बात नहीं है। सेलिब्रिटीज शायद काफी लोग तो जवाब भी नहीं देते, लेकिन उसने जो आगे लाइन बोली ना, वो सीधे दिल पे लग गई। क्या बोला उस मोहतरमा ने पता है? मैंने कहा कि मैं अपने इंस्टाग्राम हैंडल को पब्लिसाइज करना चाहता हूं, मेरी मदद करो। उन्होंने कहा कि वी आर ब्रांड, हम ब्रांड हैं, और कल को तुमने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे कुछ भी एडल्ट कंटेंट डाल दिया या कुछ भी गलत डाल दिया तो हमारे ब्रांड पे क्या फर्क पड़ेगा। मेरा दिल टूट गया, अंदर से दर्द होने लगा कि यार ऐसा तो मैंने उम्मीद नहीं की थी। मैं कुछ बोला नहीं, गुस्सा बहुत आ रहा था, अंदर से यलगार पैदा हो गया था, आग लग गई थी, लेकिन मैंने बोला कुछ नहीं, मैंने जवाब नहीं दिया। उस वक्त, उस दिन मैंने सोचा कि मुझे अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने, मैं अपने दम पे ए स्क्वायर को खड़ा करूंगा, अपने दम पे ए स्क्वायर को खड़ा करूंगा, ए स्क्वायर ब्रांड बनाऊंगा। वो मोमेंट अगर मेरी लाइफ में नहीं आया होता तो उस रात को मैं बैठा नहीं होता। मैं बैठा एक कॉपी लेके और मैंने कहा कि अरविंद अरोड़ा, वक्त आ गया है दुनिया को बताने का, अरविंद अरोड़ा वक्त आ गया है ए स्क्वायर को ब्रांड बनाने का और लोगों को दिखाने का कि अंदर का यलगार। याद रखो, एक जिंदगी में एक बात मैं आपको बताता हूं, याद रखना इस बात को कि लोग आपसे बहुत कुछ कह जाते हैं, वो सोचते तक नहीं है कि हम लोग क्या कह रहे हैं। अंदर से दर्द होता है, लेकिन उस वक्त जवाब मत देना।